नमस्कार, आज मैं बात करूंगी पैनिक डिसऑर्डर की या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर की, और इसे ही हम कहते हैं पैनिक अटैक, जो ऑल ऑफ सडन आती है। तो युवा हो, वृद्ध हो, बच्चे हो, इन सभी को किसी न किसी डर से, किसी न किसी वजह से पैनिक अटैक जरूर आ रहे हैं, और ये अभी कॉमन एक डिजीज की तरह है जो लोगों को अक्सर कहते हुए सुना गया है कि मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं। आज मैं आप लोगों को एक स्विचवर्ड दूंगी, जिस स्विचवर्ड को आपको मन ही मन खास तौर पर रोज गुनगुनाना है, और साथ में आपको उस वक्त और ज्यादा कहना है कि जिस वक्त आपको लगे कि नहीं, मेरे मन में कोई घबराहट हो रही है, मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, या फिर मेरा दिल भारी हो रहा है, मन भारी हो रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई अगर डर सता रहा है, तो ऐसे में आप इस स्विचवर्ड को जरूर कीजिएगा। चलिए, ज्यादा देर नहीं करती हूँ और उस स्विचवर्ड के बारे में बताती हूँ। दोस्तों, पैनिक डिसऑर्डर या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर, ये दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो कभी कभी लोग जब घबराहट में होते हैं, या फिर जब डिप्रेशन में होते हैं, या फिर उनके कोई काम नहीं बनते हैं, तो वो इस तरीके के प्रॉब्लम से वो गुजरते जरूर हैं। अक्सर देखा गया है कुंडली में अगर राहु के साथ चंद्र का कनेक्शन या राहु के साथ केतु का कनेक्शन बनता है, तो ऐसे पर्सन को ज्यादा इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, और यहाँ तक कि उसके विचार थोड़े अलग हो जाते हैं अपने जीवन को लेकर, यानी नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे में इंसान को कुछ समझ में नहीं आता और वो बार बार अपनी चिंताएं, अपनी प्रॉब्लम्स को ज्यादा ही सोचता रहता है, जिस वजह से उसे डर लगता है, या फिर किसी ने ऑल ऑफ सडन उसी चिंता के बीच में आकर अगर कुछ कह दिया, तो फिर उसमें जो एंजाइटी लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। ऐसे केसेस उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है जो प्यार के रिलेशन में है, जिनका रिश्ता है किसी लड़के के साथ, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, या फिर अपने पार्टनर को लेके वो ज्यादा शक करते हैं, तो ऐसे लोगों के संबंध में खटास तब आने लगती है जब शक ही इनकी बीमारी का कारण और रिश्ता टूटने का कारण बन जाता है। तो ऐसे में आज एक बहुत ही सरल, मैं आप लोगों को एक मंत्र ही समझ लीजिए, स्विचवर्ड ही समझ लीजिए, जो आपको कहना है कि जिस वक्त आप इस तरीके के परेशानियों से गुजर रहे हैं, तब आपको सिर्फ कहना है कि ये समय बीत जाएगा, ये समय बीत जाएगा, ये स्थाई नहीं है, ये स्थाई नहीं है। यानी कि मैंने क्या बोला, जब भी पैनिक अटैक्स आए, तब आपको कहना है कि ये समय बीत जाएगा, ये समय बीत जाएगा, ये स्थाई नहीं है, ये सिचुएशन स्थाई नहीं है, समय तुरंत बीतेगा। तो जब आप इस तरीके के एफर्मेशंस या फिर स्विचवर्ड की तरह आप अपने को ही समझाते हैं कि मुझे ये दिलासा चाहिए कि ये समय परमानेंट नहीं है और ये बीत जाएगा, तो फिर आप खुद को संभालने में उस वक्त सक्षम हो जाते हैं। साथ में अगर आपको एंजाइटी और पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, तो आप एक मंत्र का सहारा ले सकते हैं। उसे आपको लेना है कि पहले सांसों को भरना है और भरकर थोड़ी देर होल्ड करना है, और खुद से कहना है कि मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको सांसें छोड़नी है। देखिए, ये मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आजकल कुछ बच्चे जो टीनएजर्स है, वो ज़्यादा उनके माँ बाप उनको लेकर मुझसे डिस्कस करते हैं कि मेरे बच्चे को इस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसमें हद से अधिक एक तो पढ़ाई का प्रेशर रहता है, और दूसरा प्रेशर रहता है कि बच्चे बहुत ही कम एज में किसी रिलेशन में आ जाते हैं, और उन्हें वो समझ में नहीं आता है कि ये रिलेशन आखिर सच्चा है या झूठा है, पता नहीं। लेकिन जब भी उनके मन के लायक कोई चीज़ें रिलेशनशिप में नहीं हो रहा है ठीक, तो वो इस तरीके के एंजाइटी इश्यूज से जरूर गुजरते हैं। इस वजह से मैंने आज ये टॉपिक को चुना, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, या फिर लोग अभी इतने ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जिस कारण से उन्हें इस तरीके की एंजाइटी इश्यूज आती है, पैनिक अटैक्स आते हैं। इसमें सिर्फ बच्चे ही नहीं, टीनएजर्स ही नहीं, इसमें
जवान और वयस्क इंसान भी आ जाते हैं जिनको लगता है कि अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, तो शायद मेरी कद्र नहीं हो रही है, अब मेरे साथ जीवन में कुछ भी धैर्य के साथ नहीं हो रहा है, अब मेरा समय अंतिम हो गया है। तो इस तरीके की सोच से भी इस तरीके का पैनिक अटैक आता है, एंजाइटी इश्यूज हो जाते हैं। एक और मैं छुपा हुआ कारण आपको बताती हूँ कि जो लोग बहुत ज्यादा भूतों वाली सीरियल्स, भूतों वाली पिक्चर्स, यानी कि ज़ॉम्बी मूवीज, पैरानॉर्मल मूवीज या फिर पैरानॉर्मल वीडियोस अगर देखते हैं ज़्यादा, तो उन लोगों में ये एक डर धीरे धीरे डेवलप होने लगता है और जिस वजह से उन्हें इस तरीके के प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। तो ऐसे में आप ओम का सहारा ले सकते हैं मंत्र में, और ओम के साथ आप शांति 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 कह सकते हैं, इससे तुरंत इंस्टेंट आपको शांति मिल जाएगी। देखिए, जब हम नींबू की बात करते हैं तो फट से हमारे दिमाग में क्या आता है, खट्टा। उसी प्रकार से जब हम कहते हैं कि कोई मीठा, तो हमारा तुरंत ही थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, या फिर हम तुरंत ही उसके टेस्ट में आ जाते हैं कि हम कहते हैं वो है मीठा। तो उसी प्रकार से वर्ड्स का बहुत ज़्यादा महत्व है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या सुन रहे हैं और क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें एक साउंड पर डिपेंड करती है। तो जब आप कुछ ऐसी चीजों से दूरी बनाएंगे और खुद से अपने को प्रॉमिस करेंगे कि मैं शांत हूँ, मैं ठीक हूँ, कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं है और ये सिचुएशन बिल्कुल हट जाएगा, चला जाएगा, तो आप खुद को शांत कर सकते हैं। देखिए, इसको धीरे धीरे ये डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है कि लोग जान ही जाते हैं, समझ ही जाते हैं परेशानी है और ये परेशानी से हम बाहर नहीं आ सकते। लेकिन मेरा काम है कि कुछ चीजें आप लोगों को बताना, क्योंकि अक्सर लोग इसी तरीके के बातें और प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जिनका रास्ता शायद वो जानते तो है, लेकिन जब कोई कहता है तो वो सुनते बहुत ध्यान से है। तो इसीलिए इस तरीके के टॉपिक्स लेकर आती हूँ ताकि आप अपने को संभाल सको, अपने नियरेस्ट क्लोज वंस को आप संभाल सको, या फिर आप अपने जिसको देख रहे हैं कि भाई उसको एंजाइटी इश्यूज है या फिर पैनिक अटैक्स आते हैं या फिर आपको पता ही नहीं है कि आपके घर में किसको आता है, तो ऐसे में धीरे धीरे आप थोड़ा सा सचेतन बरतिए, सचेत हो जाइए और संभालना शुरू कीजिए, क्योंकि ये बाद में चलकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि ऐसे लोग अक्सर जिन्हें इस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं, या तो वो अपना दुख को बांट नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो ऐसे में उनके मन ही मन वो घुटते रहते हैं और इस तरीके के सिचुएशन से वो गुजरते रहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरीके के मैं और भी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी जिससे आपके अंदर चेंजेस मैं ला सकूँ और आपके जीवन को अच्छा और बेहतर बनाने में मैं कुछ अच्छे मैसेजेस वीडियोस के माध्यम से दे सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।